खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। रुक करते हैं अपने सहयोगी और ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा का जो कि कलेक्ट्रेट में मौजूद हैं कलेक्टर साहब के साथ। योगेश, महत्वपूर्ण फैसले तो लिए गए लेकिन क्योंकि आप कलेक्टर के साथ मौजूद है तो सबसे पहले राजस्थान के जयपुर को लेकर ही रणनीति समझना चाहेंगे कि जयपुर के रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के अंदर कलेक्टर साहब की रणनीति क्या है और किस तरीके से आगे काम करने वाले हैं। बिल्कुल सही फरमाया विजेंद्र आपने, और जयपुर के कलेक्टर हमारे साथ हैं जोगाराम, हम उनसे बात करेंगे। जोगाराम जी, जिस तरह की रणनीति आज सीएम ने कह दिया कि जो प्रवासी हैं मजदूर जिनको वापसी करनी है, अब अनटाइंड फंड से तमाम उनकी किराए का प्रबंधन किया जाएगा, तो किस तरह से ये तमाम जो है सहूलियत जो होगी उस तबके को दी जाएगी जो गरीब है और आर्थिक तंगी से त्रस्त है। बिल्कुल, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने वीसी में समीक्षा की थी और विशेष रूप से जो प्रवासी श्रमिक है, स्टूडेंट्स है जो राज्य में हैं, अन्य राज्यों से हैं, तो उसको लेकर के व्यवस्थाएं की गई है। पिछले दिनों जो शेल्टर हाउसेज में रह रहे थे हमारे 2000 से अधिक श्रमिक, उनमें से अधिकांश को उन राज्यों की सहमति प्राप्त करके वापस भिजवाया जा चुका है। उसमें जो व्यवस्थाएँ की थी राज्य सरकार की तरफ से, निःशुल्क बसें लगाई गई थी और अन्य व्यवस्थाएँ की गई थी। सिमिलरली जो अन्य जिलों के जो व्यक्ति हैं जो जयपुर से ट्रेन के माध्यम से जा रहे थे, उसमें जो शेल्टर हाउसेज में जैसे नागौर और अन्य जिलों से आए थे, तो उनको भी यहाँ से निःशुल्क ट्रेन के माध्यम से उन जिलों में पहुँचाया गया है। शेल्टर हाउस के अलावा जो अन्य श्रमिक हैं जिन्होंने ई मित्र पोर्टल पर अपडेट कराया, अपनी सूचनाएँ की है, उनके लिए संबंधित राज्यों से वार्ता करके उनसे सहमति के उपरांत व्यवस्थाएँ की जा रही है। सिमिलरली जिन लोगों ने अपने खुद के वाहन हैं और साधन हैं, उनको भी उन राज्यों से नोडल अधिकारियों के माध्यम से सहमति प्राप्त करके उनको भिजवाया जा रहा है। क्या लगता है सर, जो प्रवासी पलायन करके जो आ रहे हैं, जिनका अपने घर पहुंचना है, गंतव्य तक पहुंचना है, तो किराए की जो समस्या थी वो लगता है अब दूर हो जाएगी, और एक बड़ा फैसला, एक क्रांतिकारी निर्णय अशोक गहलोत ने लिया है। बिल्कुल, राज्य सरकार की शुरू से यही मंतव्य था और इससे पहले भी जो भी माइग्रेशन का डेटा जो ट्रांसपोर्ट किया इन लोगों को, वो सारा निःशुल्क किया गया है। और आज मुख्यमंत्री जी ने आज वीसी में सभी जिलों को ये डायरेक्शन दिए हैं कि इसका जो ट्रांसपोर्टेशन का वे है वो राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा और उसके अनुरूप ही, इन निर्देशों के अनुरूप ही पालना की जा रही है। क्या लगता है कि वो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो बस स्टैंड हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, किसी भी तरह का कोई भी लॉकडाउन की पालना में कोई गड़बड़ी ना हो और पूरा एक तरह से कहा जाए सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम प्रक्रियाओं के साथ ना भीड़ हो, उसकी को लेकर भी क्या कुछ आप कर रहे हैं जिससे एक कहा जा सके कि कोरोना से बचाव के तरीकों के साथ ही सहूलियत भी हो? बिल्कुल, जो प्रवासी श्रमिक या अन्य व्यक्ति अन्य राज्यों से जो आ रहे हैं, उनके लिए पूरी एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बनाया गया है। राज्य के जो बॉर्डर पर स्थित जिले हैं वहाँ पे चेक पोस्टें स्थापित की है, वहाँ सूचियाँ प्राप्त होती है जो जिलों की, वो संबंधित जिले में प्राप्त होने के पश्चात संबंधित SDMs को भिजवाई जाती है। जो भी व्यक्ति जयपुर ज़िले में जैसे आ रहे हैं अन्य राज्यों से, अन्य जिलों से, उनकी पूरी ट्रैकिंग की जा रही है प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से। जी बिल्कुल योगेश, शुक्रिया तमाम जानकारी, और कलेक्टर साहब ने जिस तरीके से बताया उससे काफ़ी हद तक ये साफ हो चुका है कि कलेक्ट्रेट के आदेश क्या है और किस तरीके से इसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। इस बुलेटिन